दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के महान विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और यदि आप महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों भारतीय क्रिकेट के सबसे सफलतम कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची बिहार में हुआ था, जो अब झारखंड का हिस्सा है। धोनी माही के नाम से भी काफ़ी फेमस हैं और धोनी को दुनिया का सबसे बेस्ट फिनिशर माना जाता है। दोस्तों धोनी को 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, 2009 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री और 2018 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण जैसे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुके हैं। इंडियन आर्मी ने 1 नवंबर 2011 को धोनी को लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सम्मानित किया। MS धोनी का जन्म रांची झारखंड में हुआ था। उनका पैतृक गांव लावली उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के लमगरा ब्लॉक में है। धोनी के माता पिता नौकरी के सिलसिले में उत्तराखंड से रांची आ गए, जहां उनके पिता पान सिंह मेकॉन के जूनियर मैनेजमेंट के पद पर काम करते थे। धोनी को एक बहन और एक भाई भी है। बहन का नाम जयंती गुप्ता और भाई का नाम नरेंद्र सिंह धोनी है। धोनी ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज विकेट कीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट के बहुत बड़े फैन हैं। धोनी बचपन से महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और महान गायिका लता मंगेशकर को अपना आदर्श मानते हैं। धोनी ने DAV जवाहर विद्या मंदिर श्यामली रांची झारखंड से अपनी स्कूली शिक्षा कंप्लीट की। धोनी ने शुरुआत में स्कूल के दौरान बैडमिंटन और फुटबॉल में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और इन खेलों में जिला स्तर पर भी वह चुने गए। धोनी स्कूल में अपनी फुटबॉल टीम के गोलकीपर थे और उन्हें उनके फुटबॉल कोच ने एक स्थानीय क्रिकेट क्लब के लिए क्रिकेट खेलने के लिए एक बार भेजा था। इस दौरान धोनी ने अपने विकेट कीपिंग टैलेंट से सभी को प्रभावित किया और कमांडो क्रिकेट क्लब में नियमित विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए। क्लब क्रिकेट में उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें 1997 से 1998 सीजन के वीनू माकर ट्रॉफी U16 चैंपियंस के लिए चुना गया और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि धोनी ने 10th क्लास के बाद क्रिकेट को सीरियस ले लिया। बता दें कि धोनी खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर 2001 से 2003 तक ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर के रूप में भी काम कर चुके हैं। दोस्तों अब बात करते हैं धोनी के कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में। तो आपको बता दें कि धोनी ने अपने बचपन की दोस्त साक्षी के साथ 4 जुलाई 2010 को देहरादून के एक फार्म हाउस में शादी के बंधन में बंध गए। इस शादी में क्रिकेट और मनोरंजन की दुनिया के कई स्टार शामिल हुए थे और 2015 में धोनी और साक्षी के घर एक नन्ही परी का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा जीवा। जीवा सोशल मीडिया पर भी काफ़ी फेमस हैं। दोस्तों अब बात करते हैं धोनी के क्रिकेटिंग कैरियर के बारे में। तो आपको बता दें कि धोनी ने 18 वर्ष की उम्र में 1999 से 2017 में बिहार के लिए रणजी ट्रॉफी खेलना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपने डेब्यू मैच में असम क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरी पारी में 68 रन बनाकर अर्धशतकीय पारी खेली। हालांकि बाद में विभाजन के बाद धोनी झारखंड की ओर से रणजी खेलना स्टार्ट कर दिए। धोनी ने दिसंबर 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ एक दिवसीय मैच में डेब्यू किया और अपना पहला टेस्ट एक साल बाद श्रीलंका के खिलाफ खेला। धोनी भारत के पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच का हिस्सा थे। उन्होंने दिसंबर 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डेब्यू किया था। धोनी भारत की ओर से खेलते हुए 90 टेस्ट मैचों में 38.09 के औसत से 4,876 रन बनाए, जिनमें से 6 शतक और 33 अर्धशतक शामिल है। टेस्ट मैच में धोनी ने 256 कैच पकड़े हैं और 38 स्टंपिंग भी की है। धोनी ने 348 वनडे मैचों में 50.58 की औसत से 10,723 रन बनाए, जिसमें से 10 शतक और 72 अर्धशतक शामिल हैं। वनडे मैच में धोनी ने 317 कैच भी पकड़े हैं और 122 स्टंपिंग भी की है। 98 T20 इंटरनेशनल मैचों में धोनी ने 37.60 की औसत से 1617 रन बनाए, जिसमें से 2 अर्धशतक शामिल है। दोस्तों अब बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी के कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में। तो आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में भारतीय टीम ने 3 पर्वों में वर्ल्ड कप जीता है। 2011 में वनडे वर्ल्ड कप, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी और 2007 में T20 वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में जीतने वाला भारत पहला देश है। वनडे में 7वें नंबर पर सबसे ज़्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम ही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक
स्टंपिंग की संख्या भी महेंद्र सिंह धोनी के नाम है। एक दिवसीय मैच में विकेट कीपर बल्लेबाज द्वारा सर्वोच्च स्कोर 183 रन भी महेंद्र सिंह धोनी के ही नाम है। 4000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज भी महेंद्र सिंह धोनी ही हैं। रिकी पोंटिंग और स्टीवन फ्लेमिंग के बाद 300 प्लस अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कप्तानी करने वाले तीसरे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ही हैं। सभी तीन प्ररूपों में 50 प्लस मैचों में कप्तानी करने वाले एकमात्र कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं। न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान भी महेंद्र सिंह धोनी हैं। दोस्तों, यदि बात करें महेंद्र सिंह धोनी के कार्स कलेक्शन के बारे में, तो आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी के पास दुनिया की बहुत सारी लग्जरियस कार्स अवेलेबल हैं। वहीं दोस्तों, बात करें इनके बाइक्स कलेक्शन के बारे में भी, तो महेंद्र सिंह धोनी बाइक्स के भी बहुत बड़े शौकीन हैं और इनके पास बहुत सारे एक्सपेंसिव बाइक्स भी हैं। यदि बात करें इनके नेटवर्थ के बारे में, तो इनका नेटवर्थ है करीब 103 मिलियन यूएस डॉलर। तो दोस्तों, यह थी महेंद्र सिंह धोनी के बारे में शॉर्ट लाइफ स्टाइल वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।